नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे लोगों तक जानकारी पहुँचे, सही जानकारी मिल पाए, इस चैनल से जुड़ पाएँ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली नोटिस है कर्मचारी चयन आयोग की, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात कर रहा हूँ। विज्ञापन संख्या 1/23, पद का नाम है अशुलिपिक अनुदेशक, जिसकी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। आज ही नोटिस जारी किया गया है। परीक्षा 30 जुलाई 2023 को आयोजित की जाएगी। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, 30 जुलाई 2023। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएँ। अगली खबर के बारे में बात करेंगे। अगली खबर UPSC की एक महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हैं, कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। अब इस नोटिस का मतलब क्या है? देखिए, जब पेपर बनाए जाते हैं तो पेपर में कई कमियां हो जाती हैं। कभी 8% डिलीट हो गए, कभी 5% डिलीट हो गए। इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलती है, प्रश्नों को रिपीट कर दिया जाता है। एक ऐसा आयोग जहाँ से PCS अधिकारी निकलते हैं, उस आयोग की स्थिति है। अब इसमें बताया गया है कि आयोग द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में शुचितापूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के निमित्त विभिन्न विषयों से संबंधित विशेषज्ञों की सूची की समय क्रूपेण समीक्षा की गई और गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने वाले विशेषज्ञों को चिन्हित किया गया। विभिन्न विषयों से संबंधित 100 विशेषज्ञों को उपरोक्त के दृष्टिगत आयोग के गोपनीय कार्यों से विरत किया गया है, यानी कि आउट किया गया है, बाहर किया गया है। बताइए, जिनके नंबर डिलीट हुए, इसके पहले जितनी परीक्षाएं हुई, जो जो घटनाएं हुई, उनका क्या हुआ? इसको लेकर देखिएगा, बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर। अब प्रदर्शन होगा, क्या होगा, समय के बाद आपको पता चल जाएगा। जो बता रहा हूँ सत्य कितना है, बस दो दिन रुकिए, एक दो दिन आपको पता चल जाएगा। इस चैनल के माध्यम से जानकारी भी आपको दी जाएगी। अब मैं बात करूंगा AGTA 2800 प्लस नई वैकेंसी को लेकर। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की नई भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आनी है। 901 का जो विवाद है, 906 का जो विवाद है, उसका समाधान कब तक होगा? तो इसी महीने समाधान हो जाएगा, मैंने बोला है, तो समाधान होना निश्चित है। विज्ञापन कब आएगा? अगस्त सितंबर, सितंबर माह तक विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अगस्त टू सितंबर तक आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का। BPSC के संबंध में महत्वपूर्ण खबर प्राप्त हुई है। BPSC के द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सभी राज्यों को एलिजिबल कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना मेरे द्वारा दी गई थी। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि परीक्षा जो है, जो संभावित है, वह अगस्त के 4th वीक में संभावित है। तो आप लोग 4th वीक मानकर तैयारी करिए, जमकर तैयारी करिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अब मैं बात करता हूँ UP पुलिस भर्ती विज्ञापन को लेकर। UP पुलिस भर्ती विज्ञापन के संबंध में कुछ लोग कह रहे थे 15 जुलाई तक विज्ञापन आ जाएगा, 10 जुलाई तक विज्ञापन आ जाएगा। भैया, अभी निविदा नहीं जारी हुए, निविदा जारी होगा, एजेंसी का चयन होगा, तभी विज्ञापन आएगा। जहां तक रही उम्र में छूट की बात, उम्र में छूट देने को शासन तैयार नहीं है। अभी करंट की जानकारी के अनुसार निविदा नहीं जारी हुआ, संस्था का चयन नहीं हुआ, जिस संस्था के माध्यम से परीक्षा का आयोजन होना है। तो जब तक संस्था का चयन नहीं होगा, तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। तो अभी आपको हो सकता है थोड़ा और वेट करना पड़े, अगस्त टू सितंबर जाना पड़े, 1 से 2 महीने आपको वेट करना पड़ सकता है। अब मैं बात करूंगा UPTER 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, अगस्त सितंबर तक नए आयोग का गठन हो जाएगा, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको बताया जा रहा है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि नए आयोग के गठन के बाद सबसे पहला जो वर्क होगा वह UPTET नोटिफिकेशन पर होगा। UPTET की परीक्षा शासन स्तर पर नवंबर दिसंबर में कार्य की तैयारी चल रही है। अगर नहीं हो पाता है कदाचित, तो आदर्श आचार संहिता लगने से पहले होगा, इसकी प्रबल संभावना है। अधिकतम जनवरी तक हो जाएगा। वैसे नवंबर दिसंबर शासन स्तर पर बात चल रहा है, मैं जनवरी अपने स्तर से बता रहा हूँ। अगर अधिक लेट होता है तो जनवरी तक जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।